एजुकेशन इंडिया के पहले बायो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के लाइक बटन पे क्लिक करके अपने टिकट कंफर्म कर लीजिए और इस सफर से जुड़ जाइए और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सफर का हिस्सा बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना जो होता है रोटी सब्जी ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसको हम डायरेक्ट पचा नहीं सकते, उसको खाते हैं फिर एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटता है तब उसे पचाया जाता है। तो इस जो प्रोसेस होती है छोटे टुकड़ों में बटने की, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ही ये चीज़ होता है कि खाना कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे एक सिंपल शॉर्ट लाइन में, तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सिंपल फॉर्म। ठीक, शॉर्ट सी डिफिनेशन है एक लाइन की समझने के लिए, बाकी बुक में तो बहुत बड़ी बड़ी डिफिनेशन इसकी दी रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, डाइजेशन है क्या। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपल फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड मैकेनिकल कंपाउंड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंट्रासेलुलर और दूसरा होता है एक्स्ट्रासेलुलर। जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेशन के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है इंट्रासेलुलर एक होता है एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर सेल, एग्जांपल फूड वैक्यूल। इन द फूड वैक्यूल ऑफ प्रोटोजोआ एंड स्पंज। ठीक, इंट्रासेलुलर वो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें एक सेल वर्क करती, सेल के अंदर ही फूड डाइजेस्ट होता है, जैसे कि फूड वैक्यूल्स जो कि प्रोटोजोआ और स्पंज में पाया जाता है। फिर आता है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है वो हायर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, वो यानी आउटर साइड डाइजेस्ट करता है, यूज गैस्ट्रिक ट्रैक फॉर डाइजेशन। ठीक, ये गैस्ट्रिक ट्रैक यूज करता है डाइजेशन के लिए, और ये जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे अंदर गैस्ट्रिक ट्रैक्ट होता है जिसमें फूड डाइजेस्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल तो हम ही हैं इसके, ह्यूमन। बट इस तरह का डाइजेशन सिस्टम ऑल हायर वर्टिब्रेट में पाया जाता है, ऑल हायर वर्टिब्रेट्स। ठीक, और इंसेक्ट में भी इसी प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो याद रखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के भी प्रकार होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वे होता है जिसको जिस प्रोसेस से उसको गुजरना होता है वो कुछ इस प्रकार है। सो हेडिंग डालते हैं समरी ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन की हम समरी देखते हैं कि क्या क्या उसे एक खाने को किस किस स्टेप से गुजरना होता है। तो सबसे पहला आता है इंजेशन फूड, इंजेशन ऑफ फूड। पहले तो खाना खाया जाएगा तभी डाइजेस्ट होगा। दूसरा आता है डाइजेशन ऑफ फूड, फिर उस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेशन के भी दो प्रकार होते हैं, कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि डाइजेशन के क्या प्रकार होते हैं। डाइजेशन दो टाइप से होते हैं।
फिर डाइजेशन होने के बाद वो आएगा सिक्रेशन प्रोसेस होगी, सिक्रेशन होगा यानी जितने भी जूस एंजाइम हार्मोन्स ये सब सिक्रेट होंगे डाइजेस्ट के दौरान, ठीक। फिर आएगा मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोट्रैक, यानी अब जो सिक्रेशन हो गया तो अब मूवमेंट होगा गैस्ट्रोट्रैक्ट का कि वो ऑइसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो ब्लड के रिएक्शन को रेगुलेट करता है, इसका मेन काम यही होता है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, जब फूड से ये सब स्टार्ट हो चुका होता है, डाइजेस्ट हो चुका होता है फूड, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है कि जिसमें उतने विटामिन्स मिनरल जितने निकले हैं अब उसको शरीर एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब होने के बाद लास्ट प्रोसेस जो होती है वो होती है पानी की मात्रा को मेंटेन किया जाता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो ये होती है डाइजेस्ट सिस्टम के प्रकार और उसकी समरी। अब हम जानते हैं हायर वर्टिब्रेट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। सो ये है ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो सबसे पहले स्टार्ट होता है यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में जो होता है वहाँ खाना टूटा जाता है यानी दांत की सहायता से खाने को तोड़ा जाता है और उसमें हेल्प करता है सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करके खाने को पचाने में हेल्प करती है। फिर ये खाना फेरिंग्स से होते हुए, फेरिंग्स का काम होता है लिगलने का, यही प्रोसेस होती है, इसको लिगला जाता है। यहीं से जो ऑइसोफेगस होता है वो विंड पाइप और फूड पाइप में डिवाइड होता है। फिर आता है ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस को हम ईसोफेगस भी कहते हैं। ये बस का काम होता है बस फूड को स्टमक तक पहुंचाना। और ये जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है उसको स्टमक कहते हैं, जिसके चार पार्ट होते हैं। स्टमक चार पार्ट में डिवाइड होता है, ये देखिए 1, 2, 3, 4। उन चार पार्ट का नाम है कार्डियक, फंडस, बॉडी रीजन एंड पाइलोरस रीजन। ये चार पार्ट्स होते हैं जिसमें से फूड जो डाइजेस्ट होता है वो सेकेंड और थर्ड पार्ट में, फंडस और बॉडी रीजन में फूड डाइजेस्ट होता है। यहीं पे फूड थोड़ी देर के लिए रुक के जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको जब डकार आती है उसका मतलब ये सेकेंड एरिया जो होता है यानी फंडस का एरिया भर चुका होता है। वहाँ तक आप खाना जब खा लेते हैं तो जो एसिड होता है, जो HCl निकलता है, स्टमक में आता है, सिक्रेट होता है, वो कार्डियक रीजन तक पहुँच जाता है। कार्डियक रीजन तक आने के बाद आपको डकार आती है और थोड़ा जलन महसूस होती है सीने में, तो उसका कारण है एसिड का ज़्यादा बनना, यानी आप इतना खाना खा लेते हैं कि एसिड ऑइसोफेगस तक आना शुरू हो जाता है। लेकिन खाना हमेशा बॉडी रीजन तक ही खाना चाहिए ताकि जो एसिड बनना है वो फंडस रीजन तक ही रह सके। और स्टमक का काम ये भी होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, उसके डाइजेस्ट के लिए उसको पहले मारना होता है। उसका काम स्टमक में ही होता है। तो स्टमक को हम एज अ किलर मशीन भी कह सकते हैं क्योंकि सारे जो गंदे मटेरियल होते हैं, जो सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं, वो सब यहीं पर मार दिए जाते हैं। फिर आता है पेनक्रीज, काम होता है हार्मोन सिक्रेट करना जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर देता है। और इसमें से कुछ ऐसे एंजाइम और हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को नरिश करते हैं। तो यह पेनक्रीज की बात, पेनक्रीज का मेन काम होता है सिक्रेशन का। अब बात करते हैं गैल ब्लैडर के बारे में। गैल ब्लैडर जो होता है वो स्टोरेज का काम करता है। बिल जो होता है वो फैट को पचाने के लिए होता है। हम जो चिकना पदार्थ खाते हैं, फैट खाते हैं, उसको बिल पिगमेंट जो होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और वो स्टोर कहाँ होते हैं, गैल ब्लैडर में। और बनते कहाँ हैं, लीवर में। तो हमेशा जानिए बिल पिगमेंट बनते कहाँ हैं, लीवर में, स्टोर कहाँ होते हैं, गैल ब्लैडर में। और लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम होता है मैनी बायोमोलिकल को बनाना, उसको तोड़ना
और विटामिन्स को एब्जॉर्ब करना, विटामिन्स को बनाना, डिस्ट्रॉय ओल्ड ब्लड सेल्स जो खाने के द्वारा पॉइजन आया है हमारे शरीर में उसको ख़त्म करना, ये सब का काम लीवर करता है, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है बिल एड इन डाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस में बिल को ऐड करता है, यानी ये इसलिए यहाँ पे स्टमक में लगा है। जब हम खाना खाएंगे तो ये जो लीवर हुआ बिल पिगमेंट सिक्रेट करेगा, स्टमक में भेजेगा ताकि वो डाइजेस्ट करें, ठीक। और डायरेक्ट लीवर में ना पहले लीवर बिल को गैल ब्लेडर में भेजता है, गैल ब्लेडर द्वारा वो स्टमक में ट्रांसफ़र होता है, यानी कुछ ऐसा, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, ठीक। तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा खाना पचता है। खाना स्टमक में पचने के बाद, टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कई पार्ट्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम केवल सिस्टम समझने आए हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। पूरा फूड डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे इसका काम होता है बचे कुचे चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना, पानी को, आयरन को, जितने चीज़ें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेना। फिर वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो रेक्टम में स्टोर कर देता है। रेक्टम में स्टोर करने के बाद एक एंस होता है जिसको हम एग्जिट पॉइंट कहते हैं, वहाँ से उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। और अगर आप नहीं जानते कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की लेयर क्या होती है, तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि इन सभी ऑर्गन्स में कितनी लेयर होती हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन क्लास। अगर आपको किसी और टॉपिक की क्लास करनी है तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख दीजिए। 100% श्योर है कि आपको नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पे कराई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो इससे, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंडों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप कुछ सीख सके। तो बाय बाय।